हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ऐसी हमारी पजामे होती हैं अक्सर और वो इस जगह से फट जाती हैं, मियाने वाली जगह से, और इनको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इसकी जो मियाने लगी हुई है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जो मियाने है ना बहुत ज़्यादा छोटी है और ये जो पजामे है ना एक ही बार में पहनने से फट चुकी है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से इसको सही कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी मैचिंग का एक कपड़ा ले लिया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने प्लाजो बनाया था उसी का ही पड़ा हुआ था मेरे पास निकला हुआ साइड से। और आपके पास भी कोई मैचिंग का कपड़ा हो तो आप भी ले सकते हो। अब देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड करके कट कर लिया है। इसका जो नाप लिया है मैंने 8x5.5 इंच का है इस कपड़े का नाप डबल फोल्ड करके। अब इसे हम एक और बार फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे हालपिन की सहायता से। अब सेट करने के बाद में इसको हम इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए, और आधा इंच ऊपर से भी आपको छोड़ना है, बिल्कुल तिरछा नहीं कट किया है मैंने, सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ दिया है। अब देखिए, इस तरीके से इसकी जो मियानी है वो बहुत, देखिए थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, 1 इंच ऊपर से भी और 1 इंच साइड से भी। तो इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा हमारी पजामी में, और ये जो रोज़ रोज़ पजामी फट जाती है बैठने उठने में वो फटेगी नहीं फिर। अब देखिए, इसमें हमने दोनों तरफ मियानी की जो जगह है दोनों तरफ बराबर निशान लगा लिया है कि कहाँ से अटैच करनी है, क्योंकि एक तरफ इसमें छोटी दिख रही थी मुझे और एक तरफ बड़ी दिख रही थी, अगर ऐसे लगा देते हम जैसे इसमें लग रही थी तो ऊँची नीची हो जाती, इसीलिए इसको मैंने पहले बराबर नापा है फिर इसमें लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, एक तरफ से हमने इसको पकड़ा और आपको इसको अटैच करते हुए पकड़ते हुए चौड़ा वाला हिस्सा आपको नीचे की साइड में रखना है और जो पतला वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड में रखना है, और इस तरीके से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इसमें इस तरीके से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब आपको दूसरे वाले हिस्से को पकड़ना है बराबर से। तो देखिए, दूसरे वाले हिस्से में जो हमने निशान लगाया था वहाँ से आपको पकड़ना है इसको दोनों पार्टों को, और आपको सीधी सिलाई इसमें भी लगा देनी है। और अगर आप ये काम कर लोगे ना तो आपकी जो पजामी है वो रोज़ रोज़ फटने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी पजामी होती हैं, ट्राउज़र वगैरह होते हैं, कभी कभी ऐसा कपड़ा निकलता है कि टाइट भी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके से मियानी लगा के इसे यूज मतलब कर सकते हो, लूज कर सकते हो और दोबारा से यूज में ले सकते हो। तो देखिए, दूसरी साइड से भी हमने इस मियानी को अटैच कर दिया है और ऊपर से भी अब हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इस तरीके से पहले कितनी आपको छोटी नज़र आ रही होगी और आप कितनी बड़ी हमने जो मियानी है वो लगा दी है। अब ऊपर से हम इसमें एक और सिलाई लगा देते हैं इसको दबाते हुए अच्छे से। तो कपड़े को दबाते हुए इसमें हमें दोनों तरफ जो मियानी लगी हुई है दोनों तरफ इसकी जो सिलाई है दोनों तरफ ही हमें इसमें सिलाई ऊपर से एक और लगा देनी है। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ लेते हुए सिलाई लगा दी है। अब आपको जो दूसरी मियानी है उसको अटैच कर देना है। तो देखिए, ये हमने एक तरफ से लगा दी, अब दूसरी वाली मियानी को भी हमें अटैच करना है। इसमें भी देखिए, बराबर से मैंने निशान लगा लिया है दोनों तरफ से, और यहाँ से जो दूसरी वाली मियानी उसको लेना है और चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर नीचे की साइड में रखते हुए, पतला वाला ऊपर की साइड में रखते हुए, और इसको सेट कर देना। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी सिलाई निकाल ली है ताकि ये जो मियानी है वो अच्छे से ऊपर तक आ जाए। अब इधर भी हम इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए, ये वाली सिलाई लगाएंगे पहले हम, फिर हम दूसरी वाली सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। और गाइज, आप भी अपनी पजामी को इसी तरीके से, आपकी जो पजामी है वो डेली डेली फट जाती है तो आप इस थोड़ी सी मेहनत करके इसे एक ही दिन में सेट कर सकते हो। देखिए, एक बार हमने सिलाई लगा दी, अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी जो हमने निशान लगाया है ऊपर तक आपको फिर सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, ये हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दी, ऊपर से भी सिलाई लगा दी। अब नीचे का जो हिस्सा है उसको हम पकड़ते हुए
दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं और म्यानी को भी दिखाऊंगी आपको, पहले कितनी छोटी थी और अब कितनी बड़ी हमने लगाई है। तो ये सूट से ढक जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं तो सूट पहनती हूँ तो अंदर की साइड में वो तो ढक जाती है तो दिखती नहीं है। और इसी तरीके से आपके लेगी वगैरह की भी फट जाती है तो लेगी में भी आप मैचिंग का कपड़ा ले लीजिए कोई भी और लगा दीजिए इसी तरीके से। और देखिए ये हमारी म्यानी लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो पहले और अब का हिस्सा, क्योंकि पहले बहुत छोटी सी थी इसमें लगी हुई थी म्यानी और अब हमने थोड़ी सी बड़ी लगा दी है। और इससे हमारी जो पजामी है ना वो सालों साल चलेगी अब और जल्दी से नहीं फटेगी। और गाइस ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।